नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज की एक नए वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौखंडी स्तूप। यह स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश से 13 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ में स्थित है और यह स्तूप बौद्ध समुदाय के लिए बहुत ही पूजनीय है। इसे लोग सीता के रसोई के भी नाम से जानते हैं और सारनाथ एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। सारनाथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी है, देखने लायक है, ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं सारनाथ में घूमने के लिए। और सारनाथ में प्रवेश करने पर सबसे पहले आपको ये चौखंडी स्तूप दिखाई देता है और देखिए कितना ये विशाल है, सारनाथ का चौखंडी स्तूप। इस विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है और देखिए इसका बनावट कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन कलाकारी का नमूना है ये चौखंडी स्तूप। यह स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और देखिए कितने ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं इस स्तूप को देखने के लिए। देखिए ये कितना मस्त गार्डन है ये सारनाथ का। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था और यहाँ पे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कई निशानियाँ भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण मूलतः सीढ़ीदार मंदिरों के रूप में किया गया था। बोध गया से सारनाथ जाने के क्रम में गौतम बुद्ध इसी जगह पर अपने पहले शिष्य से मिले थे। और ये देखिए इसका बनावट कितना बेहतरीन है ये चौखंडी स्तूप। अभी हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं। ये देखिए और ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और इसे ज़्यादातर लोग सीता की रसोई के भी नाम से जानते हैं इस चौखंडी स्तूप को। ये देखिए और ये देखिए कितना बेहतरीन गार्डन है। आगे आपका चिड़ियाघर पड़ेगा और यहाँ पे धमेखू स्तंभ भी है आगे सारनाथ का। सारनाथ बहुत ही बेहतरीन जगह है टूरिस्ट स्पॉट। देखिए सब लोग आए हुए हैं इस टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने के लिए। ये देखिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना अगला वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।